हाय फ्रेंड्स, आज मैं मलाई सोया चाप बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे नॉन स्टिक तवे पे। मार्केट में जो आप लोग स्ट्रीट स्ट्रीट साइड पे खाते हैं, जो कोयले पे बनाते हैं सिगड़ी पे लोग, उसी तरह का टेस्ट आएगा, उसी तरह का टेक्सचर आएगा। और हम इसको आज नॉन स्टिक तवे पे बनाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं, मैं आपको अब इसे वैसे भी दिखा देता हूँ। इसके लिए हमारे को चाहिए सोया चाप, हंग कर्ड, फ्रेश क्रीम, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली और कोरिएंडर का पेस्ट 2 बड़ा चम्मच, 100 ग्राम काजू का पेस्ट, शिमला मिर्च डाइसेस में कटी हुई, 2 लेमन और अनियन डाइसेस में कटे हुए। मसालों में हमें चाहिए नमक, सॉल्ट, आधी चम्मच छोटी गरम मसाला, जीरा का पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला और कुछ कुटी हुई काली मिर्च। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 चम्मच हंकर्ड। हम डालेंगे जो हमने कैशो का पेस्ट बनाया हुआ है, 100 ग्राम काजू का सारा पेस्ट डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें अब डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर और हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच। इसमें जो हमने पिसे हुए मसाले लिए थे, अब वो सारे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे इसमें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो आपने ये मैरिनेशन बनाई है, इसमें सोया चाप को मैरिनेशन में डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से आप स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब टाइम आ गया है कि आप इसमें लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर देंगे। दोनों लेमन स्क्वीज़ कर देंगे इसमें हम। तो ये हमारी सोया चाप मैरिनेट हो गई है। इसे 1 घंटा हम या आधा घंटा फ्रिज में रख के ये आप हम इसे नॉन स्टिक पैन में कुक करेंगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे कुक होगी ये। फ्रेंड्स, हमने ये जो आधा घंटा अपनी चाप को फ्रिज में रखा था उसे निकाल लिया है। अब इसे हम कुक करेंगे। उससे पहले जो अनियन और कैप्सिकम है, इसको हम एक बार ऑयल में सौते कर लेंगे। ये कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम अपना अनियन और कैप्सिकम को सौते कर लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे। मुश्किल से एक से 1.5 मिनट इसको हल्का सा मतलब सौते करके हम बंद कर देंगे। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसके ऊपर जो मेरी मैरिनेटेड सोया चाप है, उसको मैं बटर की हेल्प से कुक करूँगा। आप देख पा रहे हैं बटर सारा मैंने इसमें फैला दिया है। अब मैं इस पर अपनी सोया चाप्स को रखूँगा। इस तरीके से मैंने 5 पीस एक बार में रखे हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा बटर और इसमें लगा दूँगा और दोनों साइड से इसको कुक करूँगा। अब फोक की हेल्प से इसको पलट के देखेंगे। इस तरीके से आपकी ये चाप जो है दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सब तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं ये। इसको बाद में हम पीसेस करके अपने प्याज और उसमें मिलाएंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। चाप है सारी जो हमने पैन में कुक की है, इसको जिसको हमने ग्रिल किया है, ये हो गई है। इसे अब हम कैप्सिकम और अनियन के साथ एक बार और सौते करेंगे क्रीम डाल के। इसको अब हम इस कैप्सिकम के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लगभग आधी चम्मच चाट मसाला और डालेंगे और इस पर अब ऊपर से हम क्रीम डालेंगे। अब मैं इसमें क्रीम डालने जा रहा हूँ।
ये क्रीम डाल के इसको मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारी मैरिनेशन जो बच गई है हम इसका क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हम इसको भी इसमें मिला के एक बार पूरा से कुक कर देंगे। ये मैरिनेशन वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है, इसके अंदर आपका कैशू है और आपका कर्ड है, तो मैं इसको भी इसमें मिलाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो सारा कैशू और उसका कर्ड का मैरिनेशन था वो भी इसमें डाल दिया। अब गैस जला के इसको भी 3-4 मिनट पका लेंगे और दोबारा से क्रीम डाल के इसको सर्व करेंगे। और देखिए सारी मैरिनेशन भी इसमें मिक्स हो गई है और ये पूरा तैयार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बाजार जैसी सोया चाप तैयार है।